हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, लगता है कि हमारी जानकारी दूसरे तक पहुंचाए, तो उसके लिए शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग को कैसा लगा। उससे मैं आप लोगों को तरह तरह का जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीजें आप लोगों के सामने में लेकर आता रहूंगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम लोग श्वास लेते हैं, उस श्वास का लाभ क्या होता है और छोटी श्वास लेते हैं उसके नुकसान क्या होते हैं, यही चीज मैं आज आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे अमूमन हम लोग जो होता है छोटा श्वास लेते हैं, तो छोटा श्वास लेते हैं यानी कि 500 ml ही आप अपने शरीर में ऑक्सीजन लिए, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा आपने बहुत थोड़ा लिया है, तो हमारे शरीर को सप्लाई भी उसी अनुसार होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे शरीर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे पूरे सेल को सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है, तो अगर हमको ऑक्सीजन अगर सही ढंग से हम ले नहीं पाते, फेफड़े में ऑक्सीजन को सही ढंग से भर नहीं पाते, तो हमारे शरीर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और वही सारे रोगों का जो कारण बनता है वो हमारा ऑक्सीजन को पूरे तरीके से नहीं लेना। तो आज इस वीडियो को आप लोग गौर से इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से प्रभावित होते हैं छोटे श्वास, और लंबे गहरे श्वास लेने के क्या फायदे होते हैं, और कैसे हम लंबे गहरे श्वास लें। तो जब छोटा श्वास हम लेते हैं तो 500 ml लेते हैं, लेकिन उसी को जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं, जैसे लंबा गहरा श्वास कैसे लेना है, किसी भी अवस्था में आप बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं मुझे योग करने के लिए समय नहीं है, समय का अभाव है, मैं नहीं कर पाता हूं, मुझे फुर्सत नहीं है योग प्राणायाम करने के लिए, तो वैसे लोग भी जो कहीं भी बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं या बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो भी एक लय के साथ लंबा गहरा श्वास अपने फेफड़े में भरने का प्रयास करें, और उसका इतना ज्यादा अत्यधिक लाभ है कि आप हैरान हो जाएंगे, आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप किस प्रकार से श्वासों को लेना है, सपोज दैट मैं यहां ऐसे बैठा हुआ हूं, तो श्वास कैसे लेना है, उसे आपने एक लय के साथ फेफड़े में कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपका फेफड़ा फूल सके और ज्यादा से ज्यादा हवा हम ऑक्सीजन जो है भर सके। तो आपके फेफड़े जो सिकुड़े हुए हैं, आपको मैं बता दूं कि वो जो हमारा जो फेफड़ा होता है उसकी जो संरचना होती है, जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसके अंदर 7,30,00,000 स्पंज जैसे खाली जगह होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरता है, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 2,00,00,000 ही प्रकोष्ठ को हम लोग भर पाते हैं, बाकी जो 5,30,00,000 जो है सो खाली रह गया, और उसमें हमारा कार्बनिक गैस बैठा हुआ है, धूल कचरा बैठा हुआ है जो हमें बीमार कर रहा है, हमारे शरीर उससे बीमार हो रहे हैं। तो आपने उस फेफड़े को ज्यादा से ज्यादा भरना है, यानी कि आप जितना श्वास आप भरेंगे, आपके जो खाली स्थान है जहां कार्बनिक गैस की उत्पत्ति हो रही है, जहां विषैला पदार्थ जमा हो रहा है, कचरा जमा हो रहा है, उस जगह को आप जितना ज्यादा भरेंगे तो उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल सकेंगे, और जो कार्बन ऑक्साइड भी जो आप बाहर निकालते हैं उसको लास्ट कड़ी तक, एकदम लास्ट तक श्वासों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अमूमन जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं उससे क्या होता है कि वहां कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में हमारे लंग्स के अंदर में रह जाते हैं, जो डस्ट के रूप में, कार्बनिक गैस के रूप में वहां जम जाते हैं, और वो हमें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से आज हम आप लोग को समझाने का भी प्रयास करूंगा अपने तरीके से, हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है कि आप लोग को मैं समझा पाऊं उस प्रकार से, तो हमारे लंग्स के अंदर इतना आप समझ लीजिए कि 7,30,00,000 प्रकोष्ठ होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ता के अंदर में स्पंज बने हुए होते हैं। तो जब अमूमन हम श्वास लेते हैं, जो छोटा श्वास लेते हैं, तो 500 ml हमने श्वास भरा और बाहर निकाल दिया, तो जब लंबा गहरा श्वास हम जैसे लेते हैं तो उसका 10 गुना
ज्यादा आप ऑक्सीजन अपने फेफड़े में भर सकते हैं। जैसे हम लंबा गहरा श्वास लेकर के आप लोग को दिखा रहे हैं, यानी कि श्वासों को लास्ट तक छोड़ देना। प्राणायाम में भी हम लोग यही करते हैं, जो लंबा गहरा श्वास हम लोग जब फेफड़े में पूरा भर लेते हैं तो उसे बाहर निकाल देते हैं। तो आज इसी चीज को मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो 500 ml और 5000 ml, यानी कि 4500 ml से ऊपर और 5000, जिन लोगों का लंग्स बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो लोग 8000 ml तक ऑक्सीजन को अपने इनहेल कर सकते हैं, अपने फेफड़े में भर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन अपने शरीर में भरेंगे, आपके शरीर के ऑर्गेन्स को उतना ही ज्यादा भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे और पूरा शरीर ही आपका स्वस्थ होगा। तो आप किसी भी रूप में कहीं भी रहते हैं तो लंबा गहरा श्वास जरूर खींचने का कोशिश कीजिए। जब भी आपको समय मिलता है तो लंबा गहरा श्वास लेने का जरूर प्रयास करें और आखिरी कड़ी तक कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकाल दें। इसी चीज को मैं आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा है, और इस फेफड़े में जब हम श्वास इस प्रकार से भरते हैं तो थोड़ा सा फूलता है और बाहर निकल जाता है, जो अमूमन हम लोग श्वास लेते हैं इस प्रकार से। अगर वही लंबा गहरा श्वास आप लेते हैं तो ये आपका पूरा फेफड़े में हवा भरेगा इस प्रकार से, आपके फेफड़े काम करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जहां तक श्वासों की कमी लेने के कारण आपका पूरा कचरा इस तरह से गंदा के रूप में आपके अंदर वो जमा हुआ है, विषैला चीज आपके लंग्स के अंदर में बैठा हुआ है, जो जटिलता बन रही है उसके अंदर में जो वायरस है आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है, आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप जब लंबा गहरा श्वास लेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप आसन करेंगे, बहुत सारे एक ऐसे आसन हैं जिसमें आपको लंबा गहरा श्वास लेने के लिए कहा जाता है, और आपके फेफड़े, आप जब अमूमन मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, जब लंबा गहरा श्वास हम लेते हैं तो मेरुदंड बिल्कुल अपने आप ही आपके शरीर बिल्कुल सीधे होने लगेंगे, यानी कि आपका लंग्स जो है उसमें ऑक्सीजन भरेगा और वो फूलना शुरू होगा और आपके रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर देता है। जैसे मैं लंबा गहरा श्वास ले रहा हूं, तो इस प्रकार से आपके लंग्स अगर स्वस्थ रहेंगे तो आपके शरीर के सारे तमाम ऑर्गेन्स भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलेगा और उस ऑक्सीजन का अद्भुत लाभ होगा। लोग ऑक्सीजन के बगैर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के वजह से, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में कितना आवश्यक है आप लोग सभी लोग भली भांति इस चीज को जानते हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि आप लोग जिस भी अवस्था में जैसे भी हैं, सोए हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, तो उसे आप श्वास ज्यादा से ज्यादा फेफड़े में भरने का कोशिश करें और आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में ये प्राणायाम बहुत ही अद्भुत लाभकारी है, सिर्फ लंबा गहरा श्वास लेने से ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया हूं कि 10 गुना ऑक्सीजन आपके शरीर में बढ़ जाता है, और जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो आप लोग कुंभक भी कर सकते हैं, कुछ देरों के लिए अंतः कुंभक लगा लेंगे, जैसे श्वास बहुत देर तक आप भरेंगे और उसको रोक करके रखेंगे और फिर श्वासों को बाहर निकाल देंगे। कुंभक के साथ अगर इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके हार्ट, आपका जो लंग्स है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत बनेंगे और आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो आप लोग
इस प्रकार से जरूर करें। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि बैठ नहीं पाते हैं, लेटे हुए हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि पेट के बल लेट जाए। जैसे सपोज दैट मैं पेट के बल लेट जाता हूं, मैं पेट के बल लेट गया, अगर पेट के बल आप लेटेंगे और सीने को ऊपर उठा करके रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे इस प्रकार से, और श्वासों को छोड़ते हुए आप नीचे चले जाएंगे, तो ये तो हम भुजंग का आसन की अवस्था कर रहे हैं। भुजंग आसन में भी आप लोग लंबा गहरा श्वास लेकर के आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ा रहेगा। और दूसरा, आप अगर नहीं वो भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने ठुड्डी के नीचे लगा लें इस आरामदेह पोजिशन में, इससे आपके अंदर में शुद्ध ऑक्सीजन अंदर भरेगा और दूषित वायु आपके बाहर निकलेंगे और इससे आपके लंग्स बिल्कुल मजबूत और स्ट्रांग बनेंगे। और जब ऐसा कर रहे हैं तो आरामदेह पोजीशन में पैरों का भी इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसे हम मकरासन कहते हैं। मकरासन में भी अगर आप करते हैं तो आपके ये घुटने दर्द वगैरह के लिए भी काफी लाभकारी है, इससे आपके कमर दर्द से भी आपको छुटकारा मिलता है और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपके लंग्स के अंदर में अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार की ही प्रक्रिया करें। जो लोग फेफड़े से कमजोर हैं, जो लोग श्वास लंबा गहरा श्वास नहीं ले पाते हैं, वो लोग पेट के बल लेट करके इस चीज को अगर करते हैं तो उनके अंदर में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर करें। धन्यवाद।